नमस्कार, आई एम इंजीनियर पी के तिवारी। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। इन प्रीवियस वीडियोज आई हैव एक्सप्लेन सम पार्ट्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फोर्सिंग एंड एक्सेप्शन एंड बेनिफिट्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा एंड हाउ कैन वी क्रिएट यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस इन जावा। तो प्लीज सी, देखिए हमने पिछले वीडियोज में बताया था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, ट्राई क्या होता है, कैच क्या होता है, फाइनली क्या होता है, थ्रोज कैसे यूज करते हैं, थ्रो कैसे यूज करते हैं। तो उसका एग्जाम्पल भी बताया था, लेकिन एक पूरा एग्जाम्पल नहीं बताया था, एग्जाम्पल प्रोग्राम। तो आज उसका एग्जाम्पल प्रोग्राम बता रहे हैं थ्रो का, कि हाउ कैन वी फोर्स एंड एक्सेप्शन, कैसे फोर्स करते हैं, कैसे एक्सेप्शन अपना क्रिएट करके एक्सप्लिसिटली थ्रो करते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल है, तो देखिए क्या है, फोर्सिंग एंड एक्सेप्शन यूजिंग थ्रो। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एग्जाम्पल बताया था छोटा सा, लेकिन तो उसका आज पूरा प्रोग्राम एग्जाम्पल प्रोग्राम बता रहे हैं। तो देखिए, तो इट इज पॉसिबल फॉर आर प्रोग्राम टू थ्रो एन एक्सेप्शन एक्सप्लिसिटली यूजिंग द थ्रो स्टेटमेंट। इसका सेंटेंस क्या होता है, थ्रो होता है और थ्रोएबल इंस्टेंट होता है, थ्रो और थ्रोएबल इंस्टेंट। अब इसका एग्जाम्पल प्रोग्राम देखिए क्या है, क्लास थ्रो डेमो, ये क्लास नेम हो गया थ्रो डेमो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डेमो, ये फंक्शन का नाम है। ट्राई लगाया, यहाँ पर हमने क्या किया, इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये न्यू से यानी टेम्परेरी इंस्टेंस क्रिएट किया और क्रिएट होगा और थ्रो हो जाएगा। तो थ्रो न्यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन डेमो आप थ्रो, ये मैसेज है। अब यहां पर क्या है, कैच, यहां से किस टाइप क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन का, तो वही ऑब्जेक्ट यहां क्लास एक्सेप्शन क्लास होना चाहिए। तो कैच में वही लिखा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन और ओबी, तो यहां से जो थ्रो होगा वो ओबी में जाके कैच हो जाएगा। तो यहां प्रिंट होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कॉट इनसाइड डेमो, तो ये प्रिंट होगा, क्या लिख किया आएगा, कॉट इनसाइड डेमो, और फिर यहां से फिर थ्रो हो जाएगा, थ्रो ओबी, जो आपका ओबी में डेटा जो यहां से थ्रो हुआ है ओबी में आया, ओबी से फिर यहां थ्रो होगा और वहां जाएगा जहां से फंक्शन कॉल किया गया है। तो ये कहां से कॉल किया गया है, मेन से कॉल किया गया, इसलिए पहले सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, मेन एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, मेन। ये तो फंक्शन है और ये मेन है, तो स्टार्टिंग कहां से होती है, मेन से होती है। तो पहले पब्लिक स्टडी वाइड मेन, मेन एग्जीक्यूट होगा, यहां लिखा ट्राई डेमो फंक्शन कॉल होगा, ये डेमो डेमो फंक्शन ये कॉल होगा, यहां से डेमो फंक्शन कॉल होगा, और डेमो फंक्शन कॉल होने के बाद यहां पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा न्यू नल पॉइंटर एक्सेप्शन का, डेमो आप थ्रो, तो थ्रो होगा तो कैच होगा, यहां पर उस ऑब्जेक्ट बना हुआ है ओबी में आएगा, यहां से जो थ्रो होगा, फिर यहां प्रिंट होगा कॉट इनसाइड डेमो, और फिर यहां थ्रो होगा, जब यहां थ्रो होगा तो कहां आएगा, मेन के अंदर, इस ट्राई ब्लॉक के अंदर, यहां से वही ऑब्जेक्ट आएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट, यहां पर क्योंकि यहां पर फंक्शन कॉल किया गया है, इसलिए यहां से जो ऑब्जेक्ट रिटर्न थ्रो होगा वो इस ट्राई ब्लॉक में आएगा, और इस ट्राई ब्लॉक के नीचे कैच ब्लॉक लगा हुआ है, वही क्लास नेम लिखा है नल पॉइंटर एक्सेप्शन ई, तो वो जो यहां से थ्रो होगा वो भी वो ई में कैच होगा, आके वो भी ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से थ्रो किया गया है वो ओबी में आएगा, ओबी से जब थ्रो होगा तो ई भी आएगा, और यहां पर प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, रिकॉर्ड द एक्सेप्शन और ई की वैल्यू। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम एक्सप्लिसिटली ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी एक्सेप्शन क्लास का और उसको थ्रो करते हैं। इम्प्लिसिटली क्या होता है, जब कोई एक्सेप्शन आता है तो अपने आप से थ्रो होता है, थ्रो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हम अपना आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं किसी भी एक्सेप्शन क्लास का तो उसे थ्रो करना पड़ता है यूजिंग थ्रो कीवर्ड। ये पूरा एग्जाम्पल प्रोग्राम है, ये मेन है और उसका ये फंक्शन है, तो यहाँ से थ्रो हुआ मेन में, तो ये है हमारा पूरा एग्जाम्पल प्रोग्राम ऑफ थ्रो कीवर्ड। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन प्रोवाइड्स द मीन्स टू सेपरेट द डिटेल्स ऑफ व्हाट टू डू व्हेन समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हैपेंस फ्रॉम द मेन लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम। द एडवांटेजेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग आर,
पहले एडवांटेज क्या है, इट सेपरेट्स द वर्किंग आर फंक्शनल कोड फ्रॉम द एरर हैंडलिंग कोड बाय वे ऑफ ट्राई कैच क्लॉजेज. दूसरा क्या है, इट अलाउज अ क्लीन पाथ फॉर एरर प्रोपगेशन इफ द कॉल्ड मेथड एनकाउंटर्स अ सिचुएशन इट कांट मैनेज. इट कैन थ्रो एन एक्सेप्शन एंड लेट द कॉलिंग मेथड डील विद इट. जहां से कॉल किया गया वो डील करता है. जैसे यहां पर यहां थ्रो किया गया, यहां कॉल किया गया तो ये डील करेगा, मेन मेथड डील कर रहा है, तो वही चीज होता है. तीसरा है, बाय एनलिस्टिंग द कंपाइलर टू एंश्योर दैट एक्सेप्शनल सिचुएशंस आर एंटिसिपेटेड एंड अकाउंटेड फॉर इट इज इन्फोर्सेज पावरफुल कोडिंग. इट ऑल्सो गिव्स अस द स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड डिफरेंशिएटिंग बिटवीन डिफरेंट एरर टाइप्स यूजिंग अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ कोड्स. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक्स. तो दीज आर बेनिफिट्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग, मीन्स एडवांटेजेज ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग. तो अब हम चर्चा करते हैं, हाउ कैन वी क्रिएट यूजर डिफाइंड, यानी जो हमारे एक्सेप्शन क्लासेस रेडीमेड बने रहते हैं वो रहते रहते हैं, हम अपना एक्सेप्शन क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग इनहेरिटेंस. हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन जो क्लास होता है उससे हम इनहेरिट करके अपना एक्सेप्शन क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं. तो देखिए कैसे कर सकते हैं, देखिए, क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस. दो जावा प्रोवाइड्स एन एक्सटेंसिव सेट ऑफ इनबिल्ट एक्सेप्शंस. देयर आर केसेज इन विच वी मे नीड टू डिफाइन आर ओन एक्सेप्शंस इन ऑर्डर टू हैंडल द वेरियस एप्लीकेशन स्पेसिफिक एरर्स दैट वी माइट एनकाउंटर. वाइल डिफाइनिंग अ यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन वी नीड टू टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. क्या केयर करना है, दो. पहला, द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास शुड एक्सटेंड फ्रॉम एक्सेप्शन क्लास. यानी जो हम नई क्लास बनाएंगे अपनी एक्सेप्शन क्लास, वो एक्सेप्शन क्लास से एक्सटेंड होनी चाहिए, यानी इनहेरिट होनी चाहिए. एक्सटेंड मतलब इनहेरिट होनी चाहिए. द टू स्ट्रिंग मेथड, द टू स्ट्रिंग मेथड में बी ओवर रिडन इन द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास इन ऑर्डर टू डिस्प्ले मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सेप्शन. टू स्ट्रिंग फंक्शन होता है हमारा स्ट्रिंग क्लास में, लेकिन हम ओवरराइड कर सकते हैं, क्योंकि ओवरराइड फंक्शन उसी नाम का फंक्शन यहाँ आ जाएगा तो ओवरराइड होगा, तो ओवरराइड भी हम कर सकते हैं और उसमें हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देंगे उस एक्सेप्शन की. ये दो हैं. फॉर एग्जांपल, अब इसका एग्जांपल देखिए, जो हमने क्रिएट किया है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन. तो देखिए क्या है, निगेटिव एज एक्सेप्शन डॉट जावा, इस नाम से क्लास हमारा सेव होगा. तो पब्लिक क्लास, क्लास का नाम क्या है, निगेटिव एज एक्सेप्शन और एक्सटेंड्स एक्सेप्शन. एक्सेप्शन क्लास से हमने इस क्लास को एक्सटेंड किया, यानी एक्सेप्शन हमारे से हमने इनहेरिट किया. एक्सेप्शन मेन क्लास होती है, उससे हमने क्या किया, निगेटिव एज एक्सेप्शन क्लास इनहेरिट करी. तो एक्सेप्शन के सारे कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे. उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक डेटा मेंबर है प्राइवेट INTH और पब्लिक, ये है कंस्ट्रक्टर हमारा, पब्लिक निगेटिव एज एक्सेप्शन और INTH एक पैरामीटर से ये जा रही है. और दिस, क्योंकि एज ये लोकल और ग्लोबल दोनों सेम नेम है, इसलिए ग्लोबल के साथ दिस लगाया गया है. दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज, ये जानबूझ के मैं करता हूँ और यहाँ पर बंद हो गया. तो ये क्या हुआ, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है इस क्लास का, जो हमने निगेटिव एज एक्सेप्शन क्लास बनाई उसका ये कंस्ट्रक्टर है. उसके बाद इसका एक फंक्शन है टू स्ट्रिंग, पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न टाइप है, टू स्ट्रिंग
ये ओवर रीड फंक्शन बनाया जा रहा है, ट्विस्टिंग फंक्शन ऑलरेडी होता है स्ट्रिंग में, लेकिन ये बनाया जा रहा है। यहाँ क्या होगा, रिटर्न एज कैन नॉट बी निगेटिव प्लस एज, तो ये मैसेज रिटर्न होगा एज कैन नॉट बी निगेटिव प्लस एज, जो एज देंगे वो उसमें साथ ऐड होके रिटर्न होगी। और लेकिन अब क्या होगा, ये तो हमारा क्लास बना है, लेकिन दूसरा क्लास में जिसमें मेन है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, तो ये क्या है, ये सेव होगा कस्टम एक्सेप्शन टेस्ट डॉट जावा के नाम से। तो पब्लिक क्लास कस्टम एक्सेप्शन टेस्ट ये क्लास बना, यहाँ क्या है पब्लिक, यहाँ शुरुआत होगी एग्जीक्यूशन की, तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन थ्रोज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्योंकि जो आएगी यहाँ थ्रो होगी, थ्रोज एक्सेप्शन। अब यहाँ क्या है, आई एन टी एज इक्वल टू गेट एज, गेट एज फंक्शन कॉल किया गया। गेट एज फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है, गेट एज फंक्शन नीचे बना हुआ है, देखिए गेट एज फंक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, रिटर्न माइनस 25। तो जैसे फंक्शन ये फंक्शन कॉल होगा ये माइनस 25 रिटर्न करेगा, तो रिटर्न होकर कहाँ जाएगा, इस एज में स्टोर हो जाएगा। यहाँ से जैसे फंक्शन एज गेट एज फंक्शन कॉल किया तो ये रिटर्न किया माइनस 25 और ये माइनस 25 एज में चला जाएगा। माइनस 25 कहाँ जाएगा, एज में, फिर चेक होगा इफ एज इज लेस देन 0, ये कंडीशन ट्रू है तो इसमें आएगा क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, कौन सा, इस क्लास का निगेटिव एज एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा निगेटिव एज एक्सेप्शन, और ये एज पैरामीटर में चली जाएगी यानी माइनस 25। और क्योंकि एल्स ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है इसलिए एल्स लिखा तो है, लेकिन ये एल्स वर्क नहीं करेगा। यहाँ अगर पॉजिटिवली देते तब एल्स वर्क करता, हम निगेटिव दे रहे हैं इसलिए एल्स वर्क नहीं करेगा, ये इफ करेगा, यानी से यहाँ से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा निगेटिव एज एक्सेप्शन क्लास का, उसमें एज पैरामीटर जाएगी और क्योंकि थ्रो हो रहा है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ थ्रोज एक्सेप्शन लगा हुआ, इसे थ्रो जाएगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा एक्सेप्शन क्रिएट हो रहा है, यानी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास क्रिएट हुआ, उस यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्लास का नाम क्या है, निगेटिव एज एक्सेप्शन। आप देखिए क्या हो रहा है, इन द कस्टम एक्सेप्शन टेस्ट क्लास, कस्टम एक्सेप्शन टेस्ट क्लास है, द एज इज एक्सपेक्टेड टू बी पॉजिटिव नंबर, इट वुड थ्रो द यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन निगेटिव एज एक्सेप्शन इफ द एज इज असाइंड अ निगेटिव नंबर। तो एट रन टाइम वी गेट द फॉलोइंग एक्सेप्शन सिंस द एज इज निगेटिव नंबर, क्योंकि एज निगेटिव है तो यह आएगा, क्या आएगा, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन एज कैन नॉट बी निगेटिव, ये लिख के आएगा एज कैन नॉट बी निगेटिव और वो एज माइनस 25 एट, ये पूरा डिटेल आएगा जहाँ पर वो क्लास है, एट LPS डॉट बेसिक्स डॉट एक्सेप्शन डॉट कस्टम एक्सेप्शन टेस्ट डॉट मेन फिर कस्टम एक्सेप्शन टेस्ट डॉट जावा और 10वीं लाइन है तो 10, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज टेक स्क्रीन शॉट। तो आज हमने आपको बताया कि कैसे फोर्स करते हैं किसी एक्सेप्शन को, यानी कैसे एक्सप्लिसिटली हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी एक्सेप्शन क्लास का, उसको थ्रो कीवर्ड से थ्रो करते हैं, उसका एक एग्जांपल प्रोग्राम बताया। फिर हमने बताया बेनिफिट्स ऑफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग। फिर हमने बताया कि हाउ कैन वी क्रिएट आर ओन एक्सेप्शन क्लास, इनहेरिट द फ्रॉम एक्सेप्शन क्लास, तो उसका कॉन्सेप्ट बताया और उसका एक क्लास बनाया निगेटिव एज एक्सेप्शन और उसका कैसे वर्क करेगा ये बताया। तो आज से एक्सेप्शन क्लास यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा फिनिश होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ डाउट्स है कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया पर जाकर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो अब कर दें, क्योंकि अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा, अब हम 10 years सॉल्व कराएंगे और मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, तो इसलिए तुरंत ही सब्सक्राइब करें। जब आप हम सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें ऑल कर दें, इससे फायदा क्या होगा कि जो भी नए नए वीडियो आएंगे तुरंत ही आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो बार बार सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है, तुरंत ही लाइक करना है, और जितने भी जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको तुरंत ही शेयर करना है जिससे उनको भी नॉलेज
मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी भी दूसरा वीडियो ना देखें, इससे अच्छा ना देखें, लेकिन जब भी देखें पूरा देखें। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके ही देखें, जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर और मल्टीपल पेपर सॉल्व कराने के लिए। थैंक यू वेरी मच।